एटन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ दित्य राजपूत। आज वर्ल्ड एल्डर डे है जो कि काफ़ी धूमधाम से जो है वो मनाया जा रहा है, और उसी के चलते आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनजीत सिंह जी, जो कि ऑल जे एंड के सीनियर सिटीजन वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आज एल्डर डे जो है वो मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ हालातों की वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने घर छोड़कर जो है वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं वर्ल्ड एल्डर्स डे के बारे में दो लफ्ज़ बोलूँगा। वर्ल्ड एल्डर्स डे पहली बार 1990 में 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस में ये डिक्लेयर किया गया कि 1 अक्टूबर जो है वो एल्डर्स के लिए उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया। उसके बाद 1991 फर्स्ट अक्टूबर को पहली बार हॉलीडे उन्होंने डिक्लेयर की थी, और ये तब से ये मनाया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसी समय से हम ये दिन मना रहे हैं। वर्ल्ड एल्डर्स डे को हम 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल की तरफ से पिछले 20-22 साल से मनाते आ रहे हैं, और ये रजिस्टर्ड बॉडी है और इसमें सारे जितने मेंबर हैं वो सारे सीनियर सिटीजन ही हैं। तो सीनियर सिटीजन्स का सिर्फ वर्ल्ड एल्डर्स डे मनाने से ही काम नहीं चलता। आज के माहौल में आप देख रहे हो कि या तो बहुत सारे जो बच्चे हैं लोगों के वो बाहर चले गए हैं फॉर सर्च ऑफ देयर जॉब्स या कोई कैरियर ऑप्शंस के लिए, तो पीछे जो हैं घर खाली के खाली रह गए और बुज़ुर्ग लोग रह गए हैं, या वो भी नहीं है तो न्यूक्लियर फैमिलीज बनी हैं, छोटे छोटे परिवार अलग हो गए। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमें आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, कंप्लेंट्स भी आती हैं कि उनकी ट्रीटमेंट पेरेंट्स की बुज़ुर्गों की नहीं होती अच्छी तरह, या उनको लुक आफ्टर नहीं होता। आज के मौजूदा हालत में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स द मेन फैक्टर फॉर सीनियर सिटीजन। और पिछले 3 सालों में कोविड के कारण भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो था वो सीनियर सिटीजन या ओल्डर एज के थे। तो ओल्डर एज का ये है कि उस टाइम पर जब ज़रूरत होती है एक बुज़ुर्ग को किसी के सहारे किसी के साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेलेपन जो है वो काटता है हमेशा। और ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स के पास कोई दौलत नहीं है, वो हमारा हेरिटेज है, हमारा विरसा है। अगर हम उनकी संभाल नहीं कर सकते हैं तो आने वाले टाइम पर हम अपने विरसे से दूर हो जाएंगे। एक ओल्ड एज के बंदे में और एक सीनियर सिटीजन में बहुत फ़र्क है। ओल्ड एज का बंदा जो होता है वो अपने आप को एक एक्सक्लूजन में ले जाता है, अकेला हो जाता है, और वो समझता है कि अब बस मेरा जो है वो टाइम निकल गया। लेकिन सीनियर सिटीजन के पास बहुत बड़ा बहुमूल्य खजाना होता है, वो एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, अपनी लाइफ टाइम के जो उसके पास खजाना है वो शेयर करता है। लेकिन अफसोस यही है कि सुनने वाला कोई नहीं होता, और हमारा जो जूनियर तबका जो बच्चे हैं लोग हैं वो दूर होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि ओल्ड एज, हम चाहते नहीं कि ओल्ड एज होम बने, ओल्ड एज नहीं होने चाहिए। सो कंसेप्ट हमने डे केयर सेंटर्स का लाया था। सबसे पहला डे केयर सेंटर अगर JNK में बना तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल ने बनाया, रायका लुबाना गांव है, जहां हमारे इन्वेट्स आते हैं दिन को, वहां बैठते हैं, उनके लिए लंच होता है, उनके लिए चाय होती है, उनके लिए खाना पीना सब, उनके लिए टीवी लगे हुए हैं, अखबार है, मैगजीन, वहाँ पढ़ते हैं दिन को, बैठ के शाम को घर चले जाते हैं। कोविड के करके वो नहीं चल सका, लेकिन अब आज से मैंने डिक्लेयर किया कि वो आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं। दूसरा सेंटर हमारा चट्टा में है, वो भी चलता है। तीसरा हमने जो कंसेप्ट किया था चौपाल सी, गांव में आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, टूटी हुई एनकी होते हैं, धागे से बांधी होती हैं, तो वो खेल रहे होते हैं, कोई चेस खेलता है, कोई लूडो खेलता है, लेकिन उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं होता, आपस में 5-7-10 बंदे, और बैठने की दरी भी नहीं होती, ईंटें नीचे रख के बैठे होते हैं। उनको हम प्रोवाइड की, हमने दरियाँ प्रोवाइड की गांव-गांव में जाके, उनको हमने अवेयर कराया कि आप कोई ऐसे नहीं हो, फालतू नहीं हो, आपकी हमारे पास कदर है अगर आपके घर वालों को सी, एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनको नए कार्ड्स मिल जाते हैं खेलने, तो कार्ड्स पर टेप लगा के लगाया होता है, तो उनको हम वो देते हैं। वो कंसेप्ट हमने लाया चौपाल में, हर गाँव में चौपाल आएँ। वही हमारी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि चौपाल जो है वो होनी चाहिए हर गांव में, ताकि बुज़ुर्ग अपने आप को महसूस करें कि हमारी भी कोई सोसाइटी में जगह है। तो दूसरा मैं यही नौजवानों से यही अपील करूंगा कि ओल्ड एज होम मत बढ़ाओ, अपने घरों को ऐसा बनाओ कि आपके बुज़ुर्ग आप पर भी गर्व कर सकें, ठीक है जी, और आपको भी गर्व हो अपने बुज़ुर्गों पर। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ओल्ड एज होम जो है वो नहीं बनाने चाहिए, लेकिन अगर जो पेरेंट्स, अगर बात की जाए आप फैमिली में क्लैशेज होते हैं, जैसे आपने भी कहा कि जॉब की वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो उस वजह से उनकी फैमिली जो टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उनके लिए फिर किस तरह से जो है वो तरीका देखना चाहिए? काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वो नौजवानों के लिए भी होने चाहिए, बुज़ुर्गों के, हमारे पास जब कंप्लेंट आती है तो हम जाते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, बड़ों से भी करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि उनको रिकनसाइल किया कैसे किया जाए, रिकनसलेशन के बाद उनको जो है वो फिर से उसी तरह सेटअप किया जाए। और कोशिश हमारी काफ़ी जगह तक कामयाबी हो जाती है, कई जगह पर नहीं भी होती, कई जगह हमने देखा कि बुज़ुर्गों को छोड़ के भाग जाते हैं तो दोबारा आते। कितना मुश्किल होता है ये सब फेस करना कि फैमिली को छोड़ना? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आते नहीं आगे ये करने के लिए, ये इस काम के लिए लोग आते नहीं, काउंसलिंग के लिए नहीं आते हैं लोग, ना काउंसलिंग करने वाले होते हैं ना काउंसलिंग देने वाले होते हैं,
तो लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जो है कि हम जहाँ कहीं है, ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ मनजीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ओल्ड एज होम जो है उन्हें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली से जो है वो दूर क्यों करना चाहिए किसी को। अगर बात की जाए तो पेरेंट्स जो कि ओल्ड एज होम पर जाकर जो है वो रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ जो है एकजुट होकर जो है वो रहना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। और आज वर्ल्ड एल्डर्स डे जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे आप 8N न्यूज़ के साथ।